देखिए, नील सरोवर छठ पूजा कमेटी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ व्यापक पैमाने पर छठ पूजा का आयोजन करती है। इसके अलावा और भी सोशल एक्टिविटीज़ छठ पूजा कमेटी के द्वारा यहाँ की जाती है। एक तरह से देखिएगा तो हम लोग के अंडरटेकिंग में ये संस्था है, जहाँ से हम लोग सोशल वर्क का संचालन करते हैं, सामाजिक कार्यों का संचालन करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी एक प्रगतिशील विचारधारा के राज्य के नेता हैं और लोगों की बहुत अपेक्षा है कि वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में हैं, और बहुत उम्मीद है जनता की, 3.5 करोड़ जनता की ये उम्मीद है कि वो राजहित में बढ़िया काम करें। और निसंदेह उनके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि भी अच्छी हुई, लेकिन वर्तमान में स्थानीय कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा पार्टी का झंडा लगाकर यहाँ सरकारी भूखंड का को हड़पा जा रहा है, उसको दखल किया जा रहा है। जो सार्वजनिक जमीन थी, जहाँ पर हम लोगों का मंदिर प्रस्तावित था, मंदिर बनाया जाना था, उस स्थान को पार्टी का झंडा लगाकर घेरा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता मुख्यमंत्री और पार्टी के नाम पर भी धब्बा लगा रहे हैं। मैं यह आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी से, स्थानीय प्रशासन से, उपायुक्त से, अनुमंडलाधिकारी ढालबुन से कि वो अविलंब इस पर हस्तक्षेप करें, और अगर उक्त भूखंड की जांच हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर वो है, उसका पेपर है अगर, तो निसंदेह वो उनका हो, लेकिन अगर सरकारी ज़मीन है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, अगर वो दखल किया जा रहा है, तो ये रोकने की जिम्मेदारी जवाबदेही जिला प्रशासन की अवश्य है। मैं यही निवेदन करने आया हूँ, आपके माध्यम से जनता के बीच जाऊँगा और वो प्रस्तावित जमीन भूखंड जो है वहाँ मंदिर निर्माण किया जाना है, अगर उसको उसमें से अवैध कब्जा नहीं हटा तो हम लोग आगे बढ़कर विरोध करेंगे इसका। किस मंदिर का निर्माण करना? हम लोग यहाँ पर देखिए छठ पूजा करते हैं, भव्य छठ पूजा होता है, हम लोग यहाँ सूर्य मंदिर निर्माण के हम लोग बात पहले से ही करते आए हैं और हम लोग इस पर प्रतिबद्ध